Hello everyone, hope you all are doing good. So as you all know, we have completed with a quick revision of unit 1, theek hai ji, of education technology and ICT. Aaj hum karenge quick revision second part, second unit ka, theek hai ji, sare concepts ek hi video mein clear kar denge second unit ke. So second unit ka jo A part hai, uska sabse pehla topic hai teaching, theek hai. Sari hamari jo second unit hai teaching se related hai, teaching ke model se related hai, माइक्रो टीचिंग जो स्किल्स चाहिए हमें उससे रिलेटेड है, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. टीचिंग क्या प्रोसेस होता है? ये कैसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे को या तो टीच करता है या इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है जी. इट इज़ द इनकल्केशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज. जब एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन में कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट करता है, स्किल्स इनकलकेट करता है, उसको हम टीचिंग बोलते हैं, राइट. फारलैंड ने क्या बोला कि जो टीचिंग है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द लर्निंग. लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? टीचिंग करते हैं. फारलैंड ने ये चीज़ बोली. नाउ कम टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है. यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं. इनकरेज किया जा सकता है अपनी टीचिंग के थ्रू. डेवलपमेंट होती है बच्चे की, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ठीक है जी. सोशल एक्टिविटी है, टीच करना एक सोशल एक्टिविटी है. कम्युनिकेट कर पाते हैं यहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ. और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि टीचिंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है, ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट. टीचिंग के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? तो हमें पता है टीचिंग के तीन वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग, राइट. इंडिपेंडेंट कौन है? टीचर है, ठीक है. टीचर इंडिपेंडेंट है मतलब सारे बच्चे क्या हैं? टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. मतलब टीचर एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में. जो टीचर बोलेगा, जैसा टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चों को उस अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. देन डिपेंडेंट कौन है? स्टूडेंट्स, ठीक है जी. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स को टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, टीचर पर वो डिपेंडेंट होते हैं हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी से छोटा कंसेप्ट ही क्यों ना हो, बच्चे पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं. देन इंटरवीनिंग. इंटरवीनिंग मतलब इंटरैक्शन. टीचर और स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करके जहाँ पे एक दूसरे के साथ फुल्ली इंटरैक्ट करते हैं, ये जो आइडिया होता है इंटरैक्शन का बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, कि मतलब टीचर कोई ऐसा मेथड यूज़ करे, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करे, ऐसी टेक्निक यूज़ करे, ऐसा इवेल्युएशन मेथड यूज़ करे, जिसमें क्या है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, कम्युनिकेट करें, वो होती है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ द फेजेज ऑफ टीचिंग. अब टीचिंग के कितने फेजेज होते हैं? तो टीचिंग के तीन फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है. प्री एक्टिव फेज मतलब जहाँ पे आप प्लान करते हो कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चलोगे, कैसा कंटेंट आप चूज़ करोगे, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सा इवेल्युएशन मेथड है, कैसा कंटेंट आप चूज़ करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो तो आपने प्लानिंग कर ली पढ़ाने से पहले. देन इंटरएक्टिव, अब आप एक्चुअल में प्रोसेसिंग करोगे, मतलब उस चीज़ को ट्राई आउट करोगे, मैनेज करोगे, सारे मेथड जो आपने चूज़ किए, जितना भी कंटेंट आपने चूज़ किया था, ऑब्जेक्टिव्स जो लेके चले थे उस अकॉर्डिंग आपने अब पढ़ाना है, ठीक है. देन कम पोस्ट एक्टिव. पोस्ट एक्टिव में अब आपने देखो एक तरह से ना प्री एक्टिव होता है इनपुट, ठीक है. इंटरएक्टिव होता है जब आप प्रोसेसिंग करते हो, और पोस्ट एक्टिव होता है जब आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है जी. मतलब अब आप इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि आपके मेथड जो हैं वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उसको पोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं. आई होप वेरिएबल्स और फेजेस आपको समझ आ गए. अब आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो तीन तरह के लेवल्स होते हैं टीचिंग के. फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल तो सिंपल है, जहाँ पे बच्चा रट्टा मारता है, फुल टू बच्चे को रट्टा मारना सिखाया जाता है, सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ाया जाता है, बच्चा अपना दिमाग कहीं पे भी नहीं लगाता सिवाय रट्टे के, ठीक है. ये एक थॉटलेस प्रोसेस होता है, मतलब थॉटलेस लेवल है एक तरह से, ठीक है. ये किसने दिया था? बिगी ने दिया था. रॉट मेमोराइजेशन की इसमें बात की गई है कि बच्चे को रट्टे के थ्रू पढ़ाना है, बच्चे को रट्टा मारना सिखाना है,
ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवा के रट्टा मरवा के बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है जी। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग, सेकंड लेवल। यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करके पढ़ता है, ये एक थॉटफुल लेवल है जहाँ पे बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। ये किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। कोग्निटिव स्किल्स की बात हुई है तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है लास्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव। ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है जी, जहाँ पे मेमोरी अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है ये। किसने दिया था? हंट ने दिया था। हम यहाँ पे लर्न करते हैं उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये एक्चुअल में अपने हाईएस्ट लेवल की टीचिंग करनी है या हाईएस्ट लेवल की लर्निंग करनी है, उस टाइम ये लेवल यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आई होप दिस थ्री लेवल्स आर क्लियर टू यू, कि तीन लेवल्स होते हैं टीचिंग के, ठीक है जी। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में रट्टा मारना है, अंडरस्टैंडिंग में उस चीज़ को समझना है, रिफ्लेक्टिव में अंडरस्टैंड करना है विद एग्जांपल्स, अच्छे से सारा कुछ कम्प्लीटली एक एक फैक्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये आपका ए पार्ट है जो टीचिंग के कंसेप्ट, ठीक है, वेरिएबल्स, फेजेस, लेवल्स, करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का है, ठीक है जी। देन कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में मॉडल्स ऑफ टीचिंग है हमारे पास, तीन मॉडल्स ऑफ टीचिंग है। सबसे पहला मॉडल ऑफ टीचिंग है बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसको हम ग्लेज़र बेसिक टीचिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको किसने दिया था? ग्लेज़र ने दिया था। बेसिक टीचिंग इसको क्यों बोला जाता है? बेसिक मतलब कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो टीचिंग में यूज़ होती हैं, इसलिए इसको बेसिक टीचिंग मॉडल बोला जाता है। ये हर तरह के एजुकेशनल लेवल पे काम करता है, चाहे वो प्राइमरी बच्चे हैं, चाहे वो सेकेंडरी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट्री के बच्चे हैं, हर लेवल पे, हर ग्रेड के लिए ये क्या है, मॉडल एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको बेसिक टीचिंग मॉडल बोलते हैं, राइट। इसमें चार स्टेप्स होते हैं। पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हो कि कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकंड इज़ एंटरिंग बिहेवियर, मतलब यहाँ पे बच्चे की आप क्या करोगे, आप प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे। थर्ड इज़ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, मतलब वही प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे आप सारे मेथड्स अप्लाई करोगे, और एंड में आपको पता है आपने इवेल्युएशन ही करनी है, असेसमेंट, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल है, बस थोड़े से नाम ऐसे दे रखे होते हैं, मीनिंग उनका सेम ही होता है, ठीक है। फिर कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में ग्लेज़र जी ने बात की थी, मतलब सबसे पहला क्या है, फोकस। फोकस किस चीज़ पे है? मेन बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे है, उनको क्या करना है, बेसिक सी चीज़ें सिखानी है थ्रू द बेसिक प्रोसेसेस, ठीक है। देन इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स लेके चले, फिर हमने कुछ मेथड्स ट्राई आउट किए, ठीक है जी, फिर हमने इवेल्युएट किया, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना है क्या है उस मॉडल का। देन सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में मतलब हमने कौन कौन से मेथड यूज़ किए, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने यूज़ की, ये सब चीज़ें। सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा, कौन सी मैथडोलॉजी आपने यूज़ की, क्या अगर कोई मैथड अलग से यूज़ किया उस चीज़ को आप लिखोगे। फिर आता है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये सारे जितने भी टीचिंग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट्री लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, सब में अप्लाई होता है ये मॉडल, ठीक है जी। देन प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में तीन तरह का होता है फर्दर। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मतलब यहाँ पे टीचर बच्चे के साथ क्या है, इंटरडिपेंडेंटली काम करती है, इंटरैक्ट करके बच्चों को सिखाती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे टीचर की, वो बच्चे की नीड्स को अच्छे से समझ सकती है, और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट मॉडल इज़ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, नाम से ही पता लग रहा है, कंसेप्ट को अटेन करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। कंसेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हम फील करते हैं, सी करते हैं, टच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम कंसेप्ट बोलते हैं। ब्रूनर ने बोला कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है ना, अंडरस्टैंड करनी है, उस कंसेप्ट को अटेन करना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है, तो आप अगर एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ोगे ना, आप ज़्यादा फटाफट से पढ़ सकोगे, ज़्यादा इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल इसके चार एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला नेम ऑफ द कंसेप्ट, जैसे आपने डॉग के बारे में पढ़ना है, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आप अलग अलग एग्जांपल्स लोगे, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे। आपने बोला बहुत सारे तरह के डॉग्स होते हैं, जैसे बुलडॉग हो गया, पिट पग हो गया, बहुत सारे होते हैं,
ठीक है. एट्रीब्यूट्स मतलब आप उसके करेक्टरिस्टिक्स बताओगे. अब डॉग के कौन कौन से होते हैं, डॉग के पास फर होते हैं, चार लेग्स होती हैं, एक टेल होता है. और वैल्यूज मतलब वो बार्क भी करता है, ज़रूरी है, हर एक कुत्ता बार्क करेगा ही करेगा. और फ्रेंडली होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये कई कई होते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. कंसेप्ट अटेनमेंट में सिंपल है, अगर आप एग्जाम्पल दे के पढ़ाओगे बच्चे की थिंकिंग ज़्यादा डेवलप होगी. राइट, नाउ द लास्ट मैथड इज़ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. ये किसने दिया था? ऑसोबेल ने दिया था. और ऑसोबेल ने क्या बोला था कि एक्चुअल में ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मतलब कि टीचर अपने कंटेंट को जब सिलेक्ट करता है ना, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके पढ़ाए ताकि जिसमें कंटेंट भी पढ़ा हो जाए, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो जाए. मतलब इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके पढ़ाना है इन द प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बोलते हैं. नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइज करना है उस चीज़ को, सीक्वेंस में लगाना है जो आपने पढ़ाना है. बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इट हेल्प्स द टीचर टू चेक द प्रीवियस नॉलेज, स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिव स्ट्रक्चर और इन्हांस करेगा लर्नर्स के माइंड को. ठीक है जी, ये तो बहुत सिंपल से मॉडल है ये तीनों. और ये तो पक्का पता ही है कि इन मॉडल्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, या टीचिंग का कंसेप्ट आपको आ जाएगा. माइक्रो टीचिंग बहुत रेयर केस है, ये तो किस्मत है अगर माइक्रो टीचिंग आ गया. बिकॉज माइक्रो टीचिंग तो देखो पहले भी आपने बीएड में कर रखा है, तो बहुत रेयर केस है कि आपको अभी एमएड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. 2 मार्क्स में आ सकता है ये, पर फिर भी आप 14 मार्क्स में अगर तैयार करके जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आ गया फिर तो वेल एंड गुड है कि आ जाएगा पेपर में और इजी होगा लिखना, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है. राइट, सो माइक्रो टीचिंग स्किल किसने दी थी? डॉक्टर एलन ने दी थी. या माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, छोटा सा कंटेंट मतलब उस यूनिट का छोटा सा कंटेंट हम छोटे ग्रुप को पढ़ाते हैं, मतलब 6 से 10 बच्चों को, और थोड़े से टाइम में 5 से 10 मिनट के बीच में हमने पढ़ाना होता है. ये मोस्टली किन के लिए होता है, जो बीएड में ट्रेनिंग्स लेने जाते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं ट्रेनिंग लेने जाते हैं बीएड में. ठीक है, उस टाइम पे उनको जैसे लेसन प्लानिंग दी जाती है, उससे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है. ठीक है, स्किल्स ऑफ द ट्रेन्ड टीचर गेट्स डेवलप्ड, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है यहाँ पे, और एरर्स अगर कोई हुए हैं उस ट्रेनी टीचर से तो वो भी सही कर दिए जाते हैं. साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग का, क्या होता है, पहले आप प्लान करते हो, फिर आप बच्चे को टीच करते हो, फिर आप फीडबैक मिलता है आपको. ठीक है, और जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो फिर से आप रीप्लान करोगे, फिर रीटीच करोगे एंड देन रीफीडबैक लोगे. ठीक है जी, ये प्रॉपर साइकिल चलता रहता है. फिर कौन कौन सी स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग की? पहले तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो उस कंसेप्ट को. फिर प्रोबिंग द क्वेश्चंस, कैसे आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो. स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से आप उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हो. फिर स्टिमुलस वेरिएशन, कैसे जेस्टर्स, कैसे हैंड्स आप हिला रहे हो, कैसे मतलब आपके पोस्चर क्या है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, किस तरह से प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखना है, गलती नहीं करनी, प्रॉपर अल्फाबेट्स लिखने, ये सब चीज़ें. देन क्लोजर, कि कैसे आप उसकी एंडिंग करते हो, बच्चे को बोलते हो कि ये आज हमने पढ़ा और अब बताओ आपने क्या क्या पढ़ा, फिर से आप उस चीज़ को हाईलाइट कर दोगे. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक था, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस. एक्चुअल में फ्लैंडर्स इंटरैक्शन जो एनालिसिस है ना, ये बहुत ही कहते हैं ना जिसको बड़ा टॉपिक है. ठीक है, तो अगर इतने मॉडल्स आप पढ़ के जाओगे, देखो आपने हर तरह की माइक्रो टीचिंग स्किल करनी है, और अगर आप फिर से फ्लैंडर को करोगे, आप क्या कर दोगे, सारे मिक्स हो जाएंगे आपके, और वहीं पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में. तो इसलिए सिर्फ देख के जाओ आपको कौन सी जो यूनिट में कौन सा पार्ट अच्छे से करके जाना है 14 मार्क्स में. ठीक है, क्योंकि मॉडल्स ज़्यादा हैं. ठीक है, ये अब इंटरैक्शन एनालिसिस भी आ गया, ये भी एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 मार्क्स में ही करवाया माइक्रो टीचिंग वाला. वैसे तो मैंने 14 में भी प्रोवाइड कर दिया, वो आप पे है. ठीक है जी, सो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, पहले तो इसको फ्लैंडर ने दिया था. ठीक है जी, इंटरैक्शन मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरैक्शन होती है ना, बातचीत होती है, उसको जो एक ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है, वो होती है इंटरैक्शन एनालाइज करना. ठीक है, टू चेक द इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द पीपल्स. ठीक है, कि कितना मतलब इंटरैक्शन है, कितना कम्युनिकेशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कैसा बॉन्डिंग है, हाउ द पीपल्स एंड टीचर्स इंटरैक्ट. टू चेक द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड लर्निंग, कि
इंटरेक्ट तो वो करते हैं. अब वो जो इन्वायरमेंट है इंटरेक्शन वाला, बच्चे की लर्निंग पर, बच्चे की एटीट्यूड पर कितना इफेक्ट डालती है, वो इस चीज़ से चेक की जाती है थ्रू फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस. राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपकी जो सेकेंड यूनिट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी और ICT की, अब वो भी आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.